अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन से आपने, विच आर लीगल आइडेंटिफायर, कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो कि लीगल्स हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास अगर एरिया का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ठीक है, ये डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है आपका, ये वाला ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप आते हैं 2D पे तो ये आपका वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, कि आप स्टार्ट जो कर सकते हैं वो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट चांस है। अब ये आपका यहाँ पे लास्ट चांस तो ठीक है, आपके यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में आपके लास्ट और चांस के दरमियान स्पेस आ रही है, इट मीन्स कि आपका ये वेरिएबल जो है यहाँ पे एरर दे देगा, तो ये भी आपका लीगल नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका एक्स अंडर स्कोर वाई टी थ्री, तो ये आपका एक्सेप्टेबल है। देन नेक्स्ट उसके बाद नम, और बीच में आपकी जो अंडर स्कोर है ये अपर अंडर स्कोर है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी आपका वेरिएबल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट आपके पास ग्रेड है, और देन उसके पास स्टेरिक है जो कि स्पेशल करेक्टर है, ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। देन उसके बाद आपका एरिया अंडर द कर्व, ये है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि इतना बड़ा आपका वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मार्क्स है, ये भी आपका एक्सेप्टेबल है। देन वैल्यू है आपका, वैल्यू में क्योंकि आपके ये हैश आ रहा है जो कि स्पेशल करेक्टर है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपका। देन उसके बाद आपका एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी आपका एक्सेप्टेबल है। देन नेक्स्ट आपका परसेंटेज का साइन आ रहा है और देन डन लिखा हुआ है, ये भी आपका नॉन एक्सेप्टेबल है, कि क्योंकि ये स्पेशल करेक्टर आ रहा है आपका। उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न आपका रिजर्व वर्ड्स है कि जो आप कंपाइलर में एंड पे रिटर्न करते हैं। उसके बाद इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो अब इफ जो है अगर सिंपल इफ लिखा होता तो वो आपका रिजर्व वर्ड्स था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो फिर ये आपका एक्सेप्टेबल है, तो आप इसको ओके कर देंगे।